आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की? नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाए या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। और जब इम्तियाज साहब जो बात रखे हैं वो बात सीरियस है ना। सर, आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके? क्यों नहीं जाके? आप जाके क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है ना, तो क्यों नहीं जा सकते? अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं प्यासे के पास आता? सभी तो पैसे ही है ना। सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसे हुआ, तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो, आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है लोग? ये इसी समाज के लोग हैं पूरे। तो इसमें अगर एक आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल ये है कि आप इन चीजों पर गौर करो। आप सर, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, आपकी क्या राय है बीजेपी को हराने के लिए? आपका क्या स्टेटमेंट होगा? जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिए ना औरंगाबाद जनता ने, इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा आपको? सर, दिन पहले प्रकाश अम्बेडकर जी और औरंगजेब के एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो गए हैं, अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते, वो खुद कर सकते, वो काबिल हैं अपनी बात रखने के लिए। पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में इसी मुद्दे पर लेकर राजनीति चल रही है, कोल्हापुर या संगम में इस जगह जो घटना घटी है, अभी ये मुद्दा सामने, इलेक्शन के सामने क्या रहा है? नहीं, देखिए, हमारा बोलना ये है कि आप जो है, जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है। तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज को भी एक लिस्ट बना दो, ये फोटो जो रखेगा उसको जेल को भिजा देंगे, यूएपीए में फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना। ये फोटो नहीं रखना चाहिए, गुड्स की रख सकते, आपटे की रख सकते, मगर इनकी नहीं रख सकते या इनके रख सकते, आप एक फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना, लिस्ट बना दो, उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम यूएपीए में डाल देंगे, क्या बोल सकते? कुछ प्लान है ऐसा लग रहा है? कहका ये सब चल रहा है तो इलेक्शन के सामने हमारा मानना यह है कि ये सब तमाम चीजें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से और महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिटी को बिगड़ने से बचाइए।